हाँ तो कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। कहीं से भी स्किप किया तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी जो आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, आपने पहली वीडियो को इतना प्यार किया। सेकंड वीडियो टाटा नेक्सॉन की मॉडिफिकेशंस के लिए ऊपर मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ फ्रंट टू रेयर सारी की सारी क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई है, किन जगहों से करवाई है और कितनी मेरे को कॉस्टिंग आई है। फटाफट वीडियो को लेकर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रीफिंग है कि ये जो वीडियो है ये मैंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर शूट करी है। अलग अलग पार्ट्स इन द सेंस कि सामान जो मेरे पास गाड़ी का था वो मैंने इंडिया से नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, इसलिए मैंने आउट ऑफ इंडिया मतलब सिंगापुर और रशिया से इनको इम्पोर्ट करवाया थ्रू AliExpress.com। वो चीज़ें अलग अलग दिन पर डिलीवर हुई और उनको मैंने अलग अलग दिन पर इंस्टॉल किया। आते ही मैंने इंस्टॉल किया, जल्दबाजी में रहता हूँ हमेशा, आते ही इंस्टॉल कर दिया, वीडियो बनाने का वेट नहीं किया। फिर मेरे को चेक करना था कि क्या सामान ठीक आता है वहाँ से। वो सामान आने के बाद मैंने फटाफट में गया मयूर विहार, वहाँ से मैंने काम वगैरह करवाया। हमें फर्स्ट पार्ट के ऊपर कंटिन्यू करते हैं कि जैसे इसके अंदर जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारे रेयर फॉग लैम्प और रिफ्लेक्टर्स के ऊपर LED के अंदर जो मैंने उनको कन्वर्ट कराया। देखिए आप विंडो पर देख रहे होंगे पीछे आपको फॉग लैम्प्स रिफ्लेक्टर्स दिख रहे होंगे, वो रिफ्लेक्टर मैंने रिप्लेस करवाया विद LED रिफ्लेक्टर्स इन त्रिलोक पूरी मयूर विहार नोएडा अली भाई के शॉप पर, जिसका नाम है लाइट हब डिज़ाइन। बहुत ही एलिगेंट काम करके दिया है, बहुत ही अच्छा काम करके दिया है भैया ने। 6 मंथ की वारंटी प्रोवाइड करी है, इन हैंड रिप्लेसमेंट वारंटी, जिसके अंदर वो काम फटाफट करके देंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, उनकी शॉप की लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ग्राफिक्स का काम जो करवाया वो करवाया यश ग्राफिक्स से, विच इज़ इन करोलबाग, विजय भाई के हाथों, जो बहुत ही नोन है, आप उन्हें पक्का जानते होंगे। भैया ने बहुत ही अच्छे प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही उत्तम काम करके दिया है, जिसकी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर सकता। थर्ड जो मैंने एक्सेसरीज लगवाई है वो सारी ली है मैंने करोलबाग से, वो वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखना वीडियो को और मैं अभी कंटिन्यू करवाता हूँ हमारे फर्स्ट पार्ट के ऊपर। चलते हैं सीधा यहाँ से नोएडा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गाड़ी को लाइट अप डिज़ाइंस पर लेकर आ गया हूँ। तो वर्कशॉप है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा और प्रीमियम लाइट्स का काम होता है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट वेट है, जो हमारी ऑलरेडी कंपनी से टेल लाइट का जो फ्लो आता है यहाँ पर वो LEDs के अंदर भी बरकरार रहेगा। आपने देखा मैं गाड़ी अभी यहाँ पर लाइट हब डिज़ाइन पर लेकर आया और उसके बाद भैया ने आते के साथ ही फिटिंग का काम शुरू कर दिया। काम होगा यहाँ पर प्रीमियम सारा का सारा, लेकिन अगर आपको कोई चाइनीज आइटम लगवाएंगे तो आप करोलबाग भी जा सकते हैं, जहाँ पर वो गारंटी नहीं देते 2 दिन लाइट चलेगी फिर ख़राब हो जाएगी। जो यहाँ पर काम होता है वो एक नंबर प्रीमियम काम होता है और एकदम गारंटी वाला काम होता है विद हैंडमेड प्रोडक्ट्स। बता देते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ऑलरेडी कैसे निकलता है, ये ऐसे टक करके इंस्टॉल नहीं होता है, इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है, नट्स के साथ फिट होता है। ये अभी निकाल रहे हैं इसको, इंडिकेटर यहाँ पर लगेगा तो वायरिंग सीधा अंदर से लेके बॉडी के अंदर से यहाँ पर आएगी। ये वायरिंग ना यहाँ पर आएगी, अच्छा, यहाँ से सीधा ऊपर जाके एक कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले की यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, और जो रिवर्स लाइट है वो तो इसके अंदर है, डिक्की के अंदर। हाँ तो वो वाली यहाँ से कनेक्शन होगा, वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो वायर वहाँ तक एक्सटेंड होगी। हाँ, मैं दोनों इंडिकेटर रिफ्लेक्टर निकल चुके हैं, अब इसके अंदर डालेंगे LED इंडिकेटर और इसके बाद होगा कनेक्शन इसका। अब क्या होगा, जो ये इंडिकेटर यहाँ से निकाले हैं यहाँ पर हमारे LED इंडिकेटर फिट होंगे और उन इंडिकेटर की वायरिंग जाएगी यहाँ पर। ये प्रॉपर कपलर टू कपलर काम होगा ना, स्कॉच लॉक होंगे, स्कॉच लॉक्स लगेंगे इन तार के अंदर, अभी वारंटी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कितनी तगड़ी लुक आ रही है इसको लगाने के बाद, जो गैप है वो फिलअप हो गया। अब एक बार नोटिस करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा प्रीमियम है कि ग्लास फिनिश में एकदम, और इसके साथ साथ ये ब्लैक CNC कोटिंग के साथ है, नॉट रेड, इसलिए एकदम हिडन रहता है। प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहने वाली नहीं है ना ही फेंकने वाली बात है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बीच वाली लाइट हमारी लग चुकी है और एकदम देखिए एकदम स्नग फिट है, चाहे कोई ठोकर ले चाहे कुछ भी लगे, ये निकलने नहीं वाली है बिल्कुल भी।
ये जो आप इस पर हल्का ग्लेयर देख रहे हैं, ग्लेयर नहीं है एक्चुअली, प्योर ब्लैक है। देखो ये रिफ्लेक्शन आ रही है ज़मीन की। इससे बड़े यहाँ पर आओ, इतने ही प्राइस के अंदर तुम्हें हैंडमेड प्रोडक्ट्स विद वारंटी मिलेंगे। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है और, आप बताइए। काफ़ी लोगों के मन के अंदर ये होगा कि भाई साहब हमारी गाड़ी की वायरिंग कटेगी, ये होगा वो होगा, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इसके थ्रू आपकी गाड़ी के अंदर सारे का सारा काम होगा। इसके अंदर दो वायर जलेंगे, वायर कट नहीं होगी बल्कि हल्की सी पील होगी, जिससे वारंटी वॉइड होने का डर ख़त्म। काम आप देख रहे हैं एकदम प्रॉपर हो रहा है, ना यहाँ पे कोई जुगाड़ वाला काम हो रहा है, ना यहाँ पे कोई टेपिंग मारी जा रही है। सर्किट अवॉइड हो सके इसलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके काम हो रहा है। एक गाड़ी का भी हाइजीन होता है वो ये कहते हैं। वायर्स को भी बाइंड किया जा रहा है ताकि कोई भी वायर अलग अलग ना निकले, रोल करके बाइंड किया जा रहा है, कोई तार लूज ना निकले, हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए वायरिंग के थ्रू। अब वायर जो सबसे नीचे वाला होल है यहाँ से सीधा अंदर जा रही है। सो राइट नाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। अभी मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हुआ हूँ आगे, क्योंकि झुके झुके यार कमर दर्द हो गई। भैया को हैट्स ऑफ है, गरम गाड़ी के नीचे बैठ कर ये फटाफट काम कर रहे हैं, इसके लिए यार दम चाहिए होता है। टेंशन लेने की इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी कोई वायर कट नहीं हो रही है और ना ही मेरा कोई दिक्कत आने वाली है इसके अंदर। सारे के सारे यार इतनी बढ़िया और अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे एक बेल आइकन होगा उसको जाके दबा दो, क्योंकि इतनी टेक्निकल वीडियो इतनी अच्छे मीडियम के साथ और इतनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ जो मैं अपने नेक्सॉन के अंदर काम करवाता हूँ, वो मैं आपको भी बताऊँगा कि कैसे एक बढ़िया प्रोडक्ट और सस्ता। यार देखो आज के टाइम पर यार मैं तो नहीं मानता कि यार हर कोई अमीर है, हर कोई पैसे बचाना चाहता है, और मैं ये काम आपके लिए आसान कर दूँगा, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी डबल अच्छी लेकर आता हूँ आपके लिए। बल्कि मैं बेचता नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो लोगों का विश्वास न लूटे। ये जो शॉप है इनका, भैया का ऑफलाइन को इतना ज़्यादा काम नहीं है, सारे का सारा काम ऑनलाइन है। आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया ये आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। इनकी कार की लिस्टिंग्स मैं आपको बता दूंगा कि किन किन कार्स के अंदर ज़्यादा डील करते हैं। इन लाइट्स, नॉट एनी अदर प्रोडक्ट, ये सिर्फ लाइट्स के अंदर डील करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ लाइट्स का काम करवाने आया हूँ। जैसा मैं यहाँ पे देख सकते हो, स्नग फिट, स्नग फिट मतलब एकदम शेप ओरिजिनल है। एक आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा किसी ना किसी को ऑड लगेगा देखने में, क्योंकि ये इतनी सी बाहर निकली रहती है ज़रूर, लेकिन LED हमेशा, जब भी रिफ्लेक्टर आप देखेंगे इनके अंदर, ये हमेशा हल्के से बाहर निकले रहेंगे। प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छी ब्राइटनेस है, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए भी इसको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा बाहर निकले होते हैं। जैसे फर्स्ट वाली हुई थी सेम, ये भी ऐसी फिट हो गई है, इसकी वायरिंग हो गई। अब जो हमारे बीच वाला रिफ्लेक्टर है, रिवर्स लाइट है, कि जो वायरिंग है एकदम हिडन होकर यहाँ से बॉडी में से निकल के एकदम हिडन होकर यहाँ से जाएगी सीधा बूट के अंदर हमारे। अगर भाई बहुत सारे लोग पूछेंगे यार तुम रिवर्स लाइट बीच वाले फॉगलाम के अंदर दिखा रहे हो, तो फिर वो जलेगी कैसे? जलेगी ऐसे, जो ये फॉगलाम की जो वायर आ रही है हमें, इसको हम यहाँ से पहुँचाएंगे सीधा डिक्की के अंदर, क्योंकि हमारी जो रिवर्स लाइट है एग्जिट प्लस के अंदर वो ऊपर होती है, मतलब अंदर वाली साइड में होती है, तो ये अंदर से लाइट खुलेगी फिर ये इंस्टॉल होगा इसके अंदर। वायर कट कभी होनी ही नहीं चाहिए। करोल बाग में झटाक पटाक काम करते हैं सारे, हाँ बस फिट किया कर दिया, कस्टमर जाए, हम कौन सा मिलने वाले हैं बाद में कस्टमर का। काम हुआ इसके बाद में कस्टमर वारंटी के लिए आता ना, लगा देते हैं फिर कस्टमर को। कस्टमर चक्कर काटता था, चक्कर ही काटता रहेगा कस्टमर, फिर वो ढूंढता रहेगा उस बंदे को, तो रोड पे खड़ा हुआ बंदा काम करके चला गया। अब लोग ये थोड़ा ना समझते हैं, हाँ 2000 में वो वाला काम हो रहा है जो मेरा 4-5 हज़ार में होना चाहिए, करवा लो। कहीं ना कहीं निकलता है जो पैसा बचाते हैं वो तो निकलेगा ही, एक बार में बढ़िया करवा लो, दिक्कत से मुक्त और मज़े भी उससे डबल। हाँ तो गाइस फाइनली काम खत्म होने का आया है एकदम,
कोई वायर्स नहीं दिख रही, सब बेसिक एंड सिंपल एंड सोबर दिख रहे हैं। रिफ्लेक्टर्स लग चुके हैं, फ्यूचर रिफ्लेक्टर हमारा लग चुका है, हमारी कनेक्शन फिटिंग सब हो चुकी है, अभी बस गत्ते के रिसेंबल्स लग जाएं। भाई यहाँ पे भैया काम कर रहे हैं फटाफट अपना। भाई हमारी फिक्सिंग एंड सारा का सारा काम धाम अभी की अभी सारा खत्म हो चुका है। लाइट्स जला के दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आया इतनी मेहनत करने के बाद। फिर आते हैं इसके ऊपर, ये देखो, फिर ये हमारी बीच की फॉग लाइट, फिर ये हमारा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, और इनका कलर एकदम मैच करता है। देखिए एकदम मैच कर रहा है कलर, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही, कलर एकदम सेम है, कलर कंपोजिशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर सेकेंडरी क्या चीज़ है, इसके अंदर है ये इंडिकेटर, जैसे हमारे इसके अंदर हैलोजन है, मैं इसको जल्दी एलईडी से रिप्लेस करूँगा, लेकिन इसके अंदर है एलईडी इंडिकेटर हमारा। लेकिन आप देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप देख रहे हो हमारी सारी लाइट्स ऑन है। ये भी ब्रेक की है, इसके अंदर ब्रेक इंटीग्रेटेड लाइट्स हैं सारी, मतलब जब ये जलती है तो ये और ज़्यादा इनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है कि स्टॉक गाड़ी रुक रही है ये बताती है। ये हमारा इंडिकेटर और ये हमारी लाइट्स, ये हमारी रिवर्स लाइट, साथ में रिवर्स लाइट एक दी गई है यहाँ पर, और ये हमारा रिफ्लेक्टर विद इंडिकेटर, ये हमारा रेयर फॉग लैंप विद रिवर्स लाइट। सारी के सारा काम ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं इस काम को ख़त्म होने में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपनी गाड़ी लाने से पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना, लाइट्स मैंने आपको दिखाई बहुत ही बढ़िया लाइट्स है, इस दुकान का नाम ये है लाइट हब डिज़ाइन। यहाँ पर हर गाड़ी का इंडिकेटर रिफ्लेक्टर और सारे के सारे लाइट्स मिल जाएंगी, इसी नाम से जो मैंने आपको वीडियो के अंदर नाम दिखाया उसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, डू विजिट, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, और साथ साथ दूंगा इनका फ़ोन नंबर। इंडियन लाइट्स लगवानी और चाइनीज़ आइटम नहीं है, हैंडमेड इंडियन लाइट विद 6 मंथ्स रिप्लेसमेंट वारंटी ऑन रिफ्लेक्टर्स एंड 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी ऑन टेल लाइट्स। तो यहाँ पर आ जाना, इनका यूट्यूब चैनल, इनकी वेबसाइट, इनका फ़ोन नंबर, इनका नाम, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो यहीं से कॉन्टैक्ट करना इनको जाकर। हाँ, तो देखिए आप सबने की कितनी बढ़िया मॉडिफिकेशन हुई, कैसा लगा आपको नोएडा का ये एक्सपीरियंस। अब मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ अपने डेली कैंट वाले शूट से, जो हमारा है सारे की सारी गाइडेंस विद प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑल द एलईडी बल्ब्स। दोस्तों सारे का सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको इस चीज़ की ब्रीफिंग ज़रूर देना चाहूँगा कि जितना भी ये काम हुआ है ये सारा का सारा एक्सटीरियर वर्क है, इसके अंदर मैंने कोई भी ज़्यादा इंटीरियर वर्क नहीं करवाया, क्योंकि एग्जिट प्लस के अंदर बहुत ही अच्छा इंटीरियर, एब्सोल्युटली फाइन देन आफ्टर मार्केट था है पहले से, इसलिए इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी करवाने की। जितना मैंने बाहर करवाया इसकी ब्रीफिंग, कॉस्टिंग, इंस्टॉलेशन मैं आपको सारी की सारी अभी बता देता हूँ। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज़ के साथ, जो है हमारे पीछे की लाइट असेंबली। लाइट असेंबली जो थी हमारा पीछे के रिफ्लेक्टर्स और जो फॉग लैंप है वो भैया ने फिट करके हमें दिया था, लेकिन इसके अलावा भी जो मैंने बल्ब्स आफ्टर मार्केट मंगवाए हैं, बल्ब्स आए हैं सारे के सारे सिंगापुर से, मैं आपको पैकेजिंग ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। मैंने जो बात करी थी कि मैंने अपनी जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी चाइना से नहीं मंगवाई हैं बल्कि सिंगापुर से मंगवाई हैं, देखिए ये प्रूफ है, मेरे पास एक पैकेजिंग है जिसके अंदर लिखा है सिंगापुर इम्पोर्टेड, सिंगापुर इम्पोर्टेड जोन CCUUA सिग्नल लैम्प। यहाँ पर मेरा हाथ जो लगा, यहाँ पर मेरी घर की डिटेल्स हैं, ये देखिए टर्न सिग्नल मेरे यहाँ से आए थे और मैंने ये सारे के सारे एक ही स्टोर से मंगवाए हैं, तो नो चाइना। कमेंट सेक्शन में कहीं आप भर दे कि यार चाइना से मंगवाए, चाइना से मंगवाए हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी चाइना का सामान यूज़ नहीं किया है, जो हमारे फॉग लैंप्स है भैया ने वो हैंडमेड इंडिया के अंदर बनवाए हैं, ताइवान लाइट्स उसके अंदर यूज़ की गई है। सबसे पहले जो इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाऊंगा वो है हमारी LED इंडिकेटर की और हमारी जो ब्रेक लैंप इंस्टॉलेशन, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप LED अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं अपने टेल लाइट के पूरे पैनल के लिए, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको इस स्क्रू ड्राइवर की तो 2 साइड से खुलता हो और आपको एक 10 mm की चाबी चाहिए। आइए मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कैसे होगी। आपको अपना बूट खोलना है, सबसे पहले मैं आपको एक साइड की करके दिखाऊंगा, दूसरी साइड की पूरी सेम इंस्टॉलेशन होगी इसकी। सबसे आपको अगर कुछ नहीं करना, आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है, आपको इसकी जो फ्लैट वाली साइड है वो लेनी है और ये दोनों कैप्स को ओपन करना है ऊपर से। नीचे से लगता है कि ऐसे पेचकस डाल के खुल जाएगी, बल्कि नीचे से इनके हिंजेस हैं इसलिए ऊपर से खुलेगी। और आपको 10 मिलीमीटर का चाबी लेनी है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब इसकी चाबी लेनी है और आपको ये ओपन करना है एंटी क्लॉकवाइज। हल्का सा पुश करेंगे तो फिर ये नट अपने आप घूमने लग जाएगा। तो कमिंग टू द ट्रुथ बिहाइंड दिस इंस्टॉलेशन इज
कि जो ये मैंने बल्ब सारे के सारे ऑर्डर करे थे ये अलग अलग डेट्स पे डिस्पैच हुए थे अपनी अपनी कंट्री ऑफ डिलीवरी, तो फिर इनको मैंने अपने अकॉर्डिंगली इनको लगा कर देखा, क्योंकि यार देखो सबर वाला और रुकने वाला काम मेरे अंदर है नहीं। तो फिर मैंने जिस दिन आए उसी दिन मैंने इंस्टॉलेशन करी इन चीज़ की, स्पेशली आपके लिए हार्श वेदर कंडीशंस के अंदर मैं आपके लिए इतने दूर आया हूँ इन सबको दोबारा दिखाने, इनकी इंस्टॉलेशन दोबारा दिखाने आप लोगों के लिए। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल होंगे। आइए, बल्ब मैं पहले ही लगा चुका हूँ, इनका डिफरेंस आपको पता ही चल जाएगा अगर आप टाटा नेक्सॉन आपके पास हैं तो उनके अंदर हैलोजन कैसे दिखेंगे, और LED इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे दिखेंगे। देखिए जब हमारे नट्स खुल जाते हैं ये, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दो उंगलियां यहाँ पे लगानी है और इसको थोड़ा आगे को पुश करना है और ये अपने आप ऐसे निकल जाएगा। जो आप ये कपलर टू कपलर वायरिंग देख रहे हैं ये हमारे रिफ्लेक्टर्स की, जो रेयर रिफ्लेक्टर्स हमने LED करवाए थे उसके अंदर कोई वायर कटिंग नहीं हुई है, एकदम प्रॉपर अच्छे से इंसुलेटेड काम हुआ है टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स एंड वारंटी। अब कुछ नहीं करना, जो आपका ये बल्ब का होल्डर है इसको पकड़ना है, ये हमारा इंडिकेटर का है, इसको पकड़ना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर देना है और बाहर निकाल देना है। ये हमारा LED बल्ब है, इसके साइज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करूँगा कि क्या साइज़ का बल्ब आपको मंगाना है आपकी टाटा नेक्सॉन के लिए। इस वीडियो की जितनी भी रिकमेंडेशन है मैंने RTech YouTube चैनल से ली है, जिसने मेरे को इंस्पायर किया अपनी गाड़ी के अंदर काम करवाने के लिए। अब इसको वापस अपनी होल्डर टू होल्डर मैच करें, वापस घुसाएं और क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। जहाँ तक बात करें हम अपने ब्रेक लैंप के बारे में, ब्रेक लैंप का भी सेम सिचुएशन है, क्लॉकवाइज रोटेट बाहर निकालिए, ये हमारा ब्रेक लाइट, वापस डालिए, फिर से क्लॉकवाइज रोटेट, बंद, काम ख़त्म। अब कुछ नहीं करना, अब इस प्लेसमेंट को, ये दो दो इसके निब्स हैं इनको अपनी पोजीशन पे प्लेस करवाइए और इस लाइट को वापस हल्के से पुश के साथ इंसर्ट कर दीजिए प्यार से, और दोनों नट्स को वापस लगा दीजिए। LED लगाने का मेरा मेजर ये अपग्रेड था कि इसके अंदर जो है एक तो डील बहुत अच्छी मिल रही थी मेरे को AliExpress.com से डील बहुत अच्छी मिल रही थी, और जो दूसरी बात है वो है इसकी रिस्पॉन्स टाइम को लेकर। रिस्पॉन्स टाइम जो LED के अंदर होता है बहुत ही अच्छा होता है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब आप ब्रेक दबाते एकदम से LED फ्लैश होगी, इंडिकेटर के साथ कॉन्स्टेंटली LED फ्लैश होगी। जो इसका इंडिकेटर का सेटअप था वो मेनली मैंने कंपेयर किया था अपने रिफ्लेक्टर्स के साथ, क्योंकि रिफ्लेक्टर के अंदर भी हमारे इनबिल्ट इंडिकेटर है जो LED का है, वो हैलोजन के साथ मिक्स नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको अपग्रेड किया टू LED। LED के अंदर भी जो ये बल्ब है ये मैंने स्पेशल बल्ब ऐसा मंगवाया है कि हमें इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी लोड रेजिस्टर की ज़रूरत ना हो, जबकि हम नॉर्मल LED बल्ब लगा देंगे तो फिर वो हाइपर फ्लैश करेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलेगा। इंडिया के अंदर हाइपर फ्लैश का सॉल्यूशन किसी को नहीं मिलता सिवाय इसके कि वो बाहर आउट ऑफ इंडिया से लोड रेजिस्टर्स मंगवाए और अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करें, लेकिन उसका कोई वर्थ नहीं है। आप बल्ब मंगवाइए जिसके अंदर इनबिल्ट कैनवस होता है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, कंपनी का नाम दे दूंगा, स्टोर का नाम दे दूंगा जो रिस्पॉन्सिव है, कि आप ऑनलाइन पे करेंगे तो आपका सामान जल्दी घर पर आए, बल्कि आपके साथ कोई धोखा ना हो कि आपका पार्सल कहीं और ना चला जाए। मैंने इनको स्क्रू अप कर दिया है और प्यार से आप इनकी लिड बंद कर दीजिए। ये फिक्स हो गया है हमारा इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट। जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलेशन है वो है हमारा रिवर्स लाइट के बाद। रिवर्स लाइट का आपको कुछ नहीं करना है, तो अब जो मैं इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाला हूँ वो है हमारी रिवर्स लाइट की। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से 10 नंबर की चाबी से ये दोनों नट्स खोलने हैं, एक और दो। LED को लाइट को हमें हल्का सा ऊपर पुश करना है क्योंकि स्नग फिट होती है। देखिए जैसे हमारी लाइट ये बाहर आ चुकी है, इसके अंदर आपको ये हमारा रिवर्स लाइट का लैम्प है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और इसको निकालें बाहर। ये मैंने LED फिट कर दिया है, इसका भी साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कौन सा निकालना है। इसको वापस लगाएं, इसको वापस छेद देकर इसको कर देना है फिट। घुसी आराम से जाती है, घुसने में इसको पता भी नहीं चलता है कि ये नट्स इसके अंदर जा चुके हैं। वापस आप इसके बॉसल लगाइए, हल्के से पुश के साथ टाइट कर दीजिए। इसके अंदर ज़्यादा ज़ोर मत लगाना क्योंकि इसके जो नट्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं। हमने इसको वापस लगा दिया अंदर, आपको कर देनी है बूट बंद। देखिए हमारा जो LED है ये लग चुका है, ये LED लग चुका है, और ये सेम इसी साइड के अंदर हमारे ये भी लगा हुआ है। पार्ट के अंदर मैंने आपको इन तीनों का नीचे का दिखाई दिया था। XZ प्लस के अंदर ये पूरा LED आता है, XM के अंदर हमें ये वाली साइड डमी मिलती है, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ आपकी शोभा अपने आप ही बढ़ा देंगे। अब मैं इन लाइट्स को प्रॉपर जला कर दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है। ये देखिए अभी मैं चाबी से चलाता हूँ अपनी जो पार्किंग लाइट्स है, पार्किंग लाइट्स का लुक एकदम ही डिफरेंट आ रहा है, एकदम ब्लड रेड। अब मैं आपको जलाकर दिखाऊंगा इसके इंडिकेटर्स। ये देखिए
मैं लॉक करूँगा गाड़ी। रिस्पॉन्स टाइम देखिए आप, अभी देखना दोबारा, बल्ब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप हैलोजन को देखेंगे उससे काफ़ी ही तेज़ बल्ब है, क्योंकि आप देखिए इसके अराउंड टोटल एलईडी लगी हुई, जितने आपको येलो चिप्स दिख रही हैं सारी की सारी एलईडी हैं इस समय। हालांकि हमारा जो ब्रेक लैंप है इसका जो बल्ब है ये इतना कोई ब्राइट नहीं है और प्रॉपर ही हमें वाइट दिखता है। मैं आपको जला के दिखाता हूँ, हैलोजन कुछ ऐसा दिखता है। अरे एलईडी कैसी दिखती है, बहुत ही ब्राइट। अब मैं आपको ब्रेक दबा के दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए ब्रेक लाइट देखिए, ये देखिए हमारी अभी ये ब्रेक जल रही है, इंडिकेटर मैंने बंद कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी है, देखिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत ही गुड एंड कोल्ड रिस्पॉन्स है। जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमारे दोनों, एक तो इंडिकेटर, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो हमारा एक तो ये ऊपर का स्ट्रॉब जलता है, साइड के दो बल्ब चलते हैं और ये हमारे तीनों नीचे के भी लाइट्स चलती हैं ब्रेक पर, ये देखिए बहुत ही अच्छा बना देती है एक कार को। हाँ तो दोस्तों, अब जो मैं आपको फाइनल एलईडी अपग्रेड दिखाता हूँ वो मेरी हेडलाइट्स का नहीं है, मेरे आगे वाले इंडिकेटर का नहीं है, क्योंकि इसका बल्ब मेरे को स्पेसिफिकेशन पता ही नहीं चली कि इसको निकालते कैसे हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि तेरे को मैं सर्विस सेंटर पर जाके पूछूंगा कि तेरा साइज़ क्या है, तब तेरे को ऑर्डर करूंगा। हैलोजन है, हैलोजन। इसमें मैंने लाइट्स के अंदर कोई अपग्रेड नहीं किया है, अपग्रेड जो मैंने किया है वो मैंने किया है फ्रंट फॉग लैंप्स के अंदर। देखिए जो एलईडी अपग्रेड किया है 9600 ल्यूमेंस की वाइट 6500 केल्विन लाइट लगाई है इसके अंदर, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है नाइट के अंदर। मैं आपको एक सैंपल वीडियो रेफरेंस के अंदर ज़रूर दूंगा कि इसकी लाइट कैसी प्रोजेक्ट होती है रात को। इसकी भी इंस्टॉलेशन मैं आपको फिर से खोल कर दिखाऊंगा कैसे होती है। हाँ दोस्तों, इसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए भी आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जिसको एक फ्लैट वाली साइड लेंगे। अगर आपका लेफ्ट इंडिकेटर है तो टॉप लेफ्ट इंडिकेटर के टॉप राइट कॉर्नर के अंदर हल्की सी स्पेस होगी, जहाँ पर ये लाइन कंफर्म हो रही है ना ऊपर, यहीं पर आप पेचकस घुसाइए, अपनी उंगली के हाथ रखिए ताकि गाड़ी पर स्क्रैच ना आए, उसको बाहर पुश कीजिए। बाहर आ गया, बहुत प्यार से पेचकस घुमाइए, तीन नट खोलिए, इस पूरी यूनिट को आराम से पुश करके बाहर निकालिए, फिर आपको 1 2 3 4 बल्ब के चार नट्स होते हैं, इन चार नट्स को भी आराम से बाहर निकालिए। ये मैंने निकाला, इसके अंदर है एलईडी। एलईडी का तो कपलर है, आपको इसको स्टॉक बल्ब से कैसे निकालना है ये देखिए, ये हल्का सा पुश किया, ये इधर हल्का सा पुश किया और ये बल्ब को हमने निकाल लिया, ठीक है। आपको वापस अगर देखिए यहाँ ऐसे ही हमारा हैलोजन निकलेगा, हैलोजन छोटा सा होता है, और ऐसे ही हमारी एलईडी निकलेगी। एलईडी को वापस लगाया, तार को डाला अंदर और ये वापस कर दिया हमने इसको फिट। इट इज स्नग फिट, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है और आगे सिर्फ हमारे फॉग लैंप्स चल रहे हैं इस समय, जो हमारे वाइट एलईडी फॉग लैंप्स है। देखिए ये ग्लेयर आ रही है इस पर भी है, एकदम टोन्ड मिक्स फॉग लैंप्स, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं नेक्सॉन के ऊपर। ये एकदम वाइट लाइट फेंक रहे हैं दूर तक, और हम दूर जाकर देखें तो कि टाटा नेक्सॉन की जो बीम होती है एडजस्टेबल होती है, ये आँख में नहीं लग रही है, ये देखिए अब लगेगी आँख में ज़मीन पर आके, लेकिन ये ऐसे आँख में नहीं लग रही है क्योंकि फॉग लैंप्स का काम करते हैं ये। ठीक सर, फिट हो गई है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट फिट है। और हमारी ऑलरेडी इसके अंदर DRL जलती है जब हम पार्किंग जलाते हैं, तो इसके साथ वाइट के साथ वाइट मैच करने के लिए थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट के अंदर फ़र्क है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा वार्म लगता है इसके सामने, लेकिन ठीक है हम उससे ज़्यादा वार्म कलर नहीं ला सकते क्योंकि वो ज़्यादा फिर ज़्यादा वार्म हो जाएगा वो, इसलिए बेटर है कि आप 6500 केल्विन कलर कंट्रास्ट के लिए जाएं। हाँ सर, LED अपग्रेड मैंने आपको सारे दिखा दिए जो मैंने करवाए थे। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है LED से हटकर मतलब बॉडी वर्क के ऊपर मैंने क्या क्या करवाया, किस चीज़ को मैंने किस तरीके से ऊपर ले गया हूँ,
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फ्रंट प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मैंने नंबर प्लेट का होल्डर लगवाया जिससे एक बहुत ही बोल्ड लुक आती है। गाड़ी का सपना था मेरा कि एक ब्लैक थीम देना, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर के साथ क्रोम बहुत ज़्यादा हो गया था। जो हमारी ये लाइनिंग है पूरी क्रोम थी, इसको मैंने करवाया है 5D कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर। ये देखिए, जैसा आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ 5D कार्बन फाइबर। 5D कार्बन फाइबर मैंने करवाया है विजय भैया से, जिनकी यश ग्राफिक नाम से दुकान है करोल बाग के अंदर। बहुत ही अच्छा काम करके देते हैं। फिनिशिंग एक नंबर, काम की क्वालिटी एक नंबर। देखिए, बहुत ही अच्छा बोल्ड लुक आ रहा है। टाटा नेक्सॉन के शोरूम के अंदर आपने देखा होगा कि ये बिट हमें मिलती है कुछ 2 या 3 हज़ार रुपये की। मैंने इसके अंदर 200 रुपीज़ का क्रोम मैंने ये लिया। ये जो क्रोम है ये 200 रुपीज़ की स्ट्रिप आती है, कम से कम 2 से 3 मीटर मैंने ली। इसको पहले यहाँ पेस्ट किया, 2 लाइन्स यहाँ लगाई, हाफ लाइन यहाँ पर लगाई साइड लुक के लिए, और एग्जैक्टली सेम जो लेफ्ट साइड में था सेम मैं राइट साइड में भी डाली फॉर अ गुड कॉन्ट्रास्ट इन ब्लैक। अब जब यहाँ पर कार्बन फाइबर की बात उठी गई थी, तब ये चीज़ मैंने डी क्रोम करी आगे से एक ब्लैक लुक के लिए, एक बोल्ड लुक के लिए। सेकेंडरी जो चीज़ थी वो मैंने जो यहाँ पर हमारे सिल्वर, ये हमारा वाइट कॉम्बिनेशन के अंदर था, इसको मैंने फुल कार्बन फाइबर ब्लैक करवाया, ग्लॉस ब्लैक। ये देखिए, फिनिशिंग देखिए आप एक बार, फिनिशिंग देखिए। बात हर चीज़ फिनिशिंग की होती है कि कैसे क्या होता है। गाड़ी एक बार धुल भी चुकी है फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। ये देखिए, अब ये जो पूरी पीछे की चीज़ है इसको मैंने करवाया ब्लैक कार्बन फाइबर के ऊपर। ये देखिए, कर्व्स देखिए इसके, मैच कर्व हैं इसके। ये देखिए, परफेक्ट एकदम। और सेम इस साइड भी ऐसे ही करवाया है। ये था मेरा आउटलुक के ऊपर कि गाड़ी के बाहर मैंने क्या करवाया इसको एलिगेंट करने के लिए। जो जितना भी कार्बन फाइबर वर्क है फ्रंट में, साइड में एंड बैक में, इसकी कॉस्टिंग बढ़ी है मेरे को इंक्लूडिंग मटेरियल, वो है 1500 रुपीज़ के अंदर। भैया ने हमें ये पर भी करके दिया है, जो भी हमारा फ्यूल टैंक के लिड होती है इसके ऊपर भी कार्बन फाइबर करके दिया है। साथ ही साथ हमारे जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं इसके ऊपर भी दोनों। और जहाँ तक हमारी प्लेट की बात है, जो नंबर प्लेट होल्डर की बात है, ये भी सिर्फ 200 रुपये का लगाया हमें। सिर्फ 200 रुपीज़ के अंदर हमें फ्रंट और बैक की इंस्टॉलेशन मिल गई थी। इस चीज़ ने गाड़ी का प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छा बना दिया है। ये अगर अपग्रेडेशन मैं इसका दिखाऊँ आपको, तो जैसे हमारे ये जो बम्पर प्रोटेक्टर्स हैं हमारे ब्लैक कलर के आते थे, ब्लैक कलर के बम्पर प्रोटेक्टर गाड़ी के ऊपर बहुत ही लगते थे जैसे मैंने देखा था। इनको मैंने निकाला, पेट्रोल से साफ किया और इनके ऊपर स्प्रे पेंट से किया पेंट, जो आप कभी मत करना। देखिए निकलने लग गया है यहाँ से, आप कभी मत करना, प्रॉपर पेंटर के पास ले जाना, पहले पेंट करवाना फिर इनको कर देना स्टिक, जिससे आपकी सारी दिक्कत खत्म और बॉडी पेंट के साथ मिक्स मैच होकर बहुत ही अच्छा आउटकम देंगे। हाँ देखिए, मैंने अपनी तरफ से अपना काम किया है, गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशंस कराई है, हर चीज़ मैंने इंस्टॉल करी थी, लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा से खोलकर दिखाई है। इतना काम मैंने अपनी तरफ से किया, आपको बस इतना करना है, वीडियो को करना है लाइक, अगर नए आए तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर ही दिया है तो साथ ही साथ बेल आइकन को कर दो प्रेस। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ आपके लिए कहीं नहीं जाने वाली। आप इसे देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ भेज दो बस कि हाँ भाई देख क्या मॉडिफिकेशन कराई टाटा नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन के अंदर बढ़िया मॉडिफिकेशन के ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनी है, इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनी है। जल्दबाजी में करोल बाग के अंदर ऐसे वैसे वीडियो मैंने बहुत सारी देखी है, लेकिन इतनी जेन्युइन वीडियो मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और कोई भी चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट होगी गाड़ी के अंदर क्या कराया जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि मैं और गाड़ी के अंदर क्या करवाऊँ जो मेरे को अच्छा लगे, जो इलाइट लगे, जो प्रोफेशनल लगे, थोड़ा देखने में जो देखने में गाड़ी थोड़ी लग्जूरियस लगे। हाँ तो दोस्तों, अगर आपके मन के अंदर कोई प्लान है कि यार ध्रुव यार तेरे को अपनी गाड़ी ऐसी करनी चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, आप कमेंट के अंदर बताइए, मैं वो चीज़ इंप्लीमेंट करके आपको गाड़ी के ऊपर दिखाऊंगा, उसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, उसका प्राइस दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी की चीज़ आपको पता करनी है तो सीधे कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे डालते रहो, मैं आपसे बताता जाऊँगा, हर चीज़ का जवाब मैं दूंगा आपको। लास्ट वीडियो के अंदर 300 कमेंट्स और 300 मैंने रिप्लाइज भी दिए थे उसके ऊपर, तभी उन लोगों ने उस वीडियो को देखा। बाकी मैं एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ, गाड़ी हर किसी का सपना होती है, उसके ऊपर काम करवाना भी हर किसी का सपना होता है। मेरी इमेजिनेशन थी कि मैं यहाँ पर ये करवाऊँ, इसको ऐसे करवाऊँ, इसको वैसे करवाऊँ। आप कभी भी किसी का आइडिया कभी मत लेना, आप अपना दिमाग यूज़ कीजिए, अपनी इमेजिनेशन यूज़ कीजिए, उस चीज़ के ऊपर बनाइए अपनी गाड़ी को, उस चीज़ के ऊपर तैयार करवाइए अपनी गाड़ी को। कभी किसी और की देख कर नहीं, किसी और से इंस्पिरेशन ज़रूर लें, लेकिन उनको क्रेडिट्स भी ज़रूर देना।
मैं अपने क्रेडिट्स देता हूँ आर टेक यूट्यूब चैनल को, RTECH, आर टेक यूट्यूब चैनल को, जिसने मेरे को इंस्पिरेशन दी ऐसा काम करवाने के लिए। ऐसे लाइव कैसे इंस्टॉल करनी है मैंने वहीं से सीखा, क्योंकि उसी चैनल ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। ये जो चैनल है ये आपको देगा सिर्फ इन्फोटेनमेंट, इन्फो विद एंटरटेनमेंट। आपको करना है सब्सक्राइब, डटे रहना, वीडियोस आती रहेंगी। दिवाली का टाइम आ चुका है, दिवाली के टाइम पर जिसको भी गाड़ी के अंदर काम करवाना है वो जाइए करोल बाग में, जिसको LED का फॉग लैंप्स का रिफ्लेक्टर्स का काम करवाना है वो जाइए नोएडा। अच्छे बंदे ढूंढिए, अच्छे बंदों से काम करवाइए, सस्ता काम करवाइए, लेकिन काम जब भी करवाएंगे तो गाड़ी के साथ आप खड़े रहिए, कभी गाड़ी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कभी कोई बंदा आपकी गाड़ी को अपना समझ के काम नहीं करता। इसलिए आपको अपनी गाड़ी का काम ध्यान से करवाना है। कहीं भी जाइए, मार्केट ओपन है आपके लिए, लेकिन हमेशा बार्गेन करिए। कभी भी मार्केट के अंदर जाएं, और मार्केट के अंदर जाने से पहले अगर आप बार्गेन कर ही रहे हैं, बार्गेन करने के बाद भी आपको एक्सप्लोर करनी है मार्केट। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो जाए किसी भी सामान की, उस काम को एक स्पेसिफिक डीलर से या रिटेलर से, उसका कितना भी नाम हो यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर, कभी उससे काम वैसे ना करवाएं। अपनी तसल्ली करें फिर ही गाड़ी का काम करवाएं। गाड़ी आपकी है, कोई दूसरा उसको अपनी नज़र से नहीं देखेगा, सिर्फ आप देखेंगे उसको। बाकी जितने भी अपग्रेडेशन आपके लिए मैं लाता रहूँगा गाड़ी के बारे में, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा YouTube स्टोरीज के थ्रू। मेरे को Instagram पर फॉलो कीजिए, Instagram का मेरा हैंडल है सेम एज YouTube, मतलब iDhruv, IDHRUVP, iDhruv ऑन YouTube, iDhruv ऑन Instagram। हाँ, आइए वहाँ स्टोरीज में सबसे पहले डालता हूँ, क्योंकि अपग्रेड आने वाला है, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लेट मी पिंग ध्रुव, मैं ध्रुव को मैसेज करता हूँ कि मेरे को क्या वीडियो डालनी है, क्या आइडिया देता हूँ कि उसको कैसी वीडियो बनानी है ये वाली। तो आपको मैंने इसके एक्सटीरियर के बारे में और इसकी लाइट्स की मॉडिफिकेशन के बारे में सारी स्पेसिफिकेशन दे दी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, अगर उससे पहले मेरी वीडियो आ गई तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरा कंटेंट है वो सीमित नहीं रहेगा सिर्फ गाड़ियों को लेकर, गाड़ियों को लेकर सीमित नहीं रहेगा वो कंटेंट, रहेगा फोटोग्राफी, लाइफस्टाइल, गाड़ी, हर चीज़ को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कहते हैं यार ध्रुव इस चीज़ की टेस्ट राइड ले, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, अगर मैं किसी की बात नहीं सुन पा रहा तो प्लीज़ वो बुरा मत मानना, उस चीज़ का यार दिल पर मत लेना, कहीं भी ले लो दिल पर मत लो, खुश रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ। और हाँ, तो इस वीडियो को भी लास्ट वीडियो की तरह प्यार देना लोगों के साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बस सब्सक्राइब बटन ठुकवा देना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। वीडियो नहीं पसंद आई डिसलाइक दबाओ, वीडियो पसंद आई लाइक दबाओ, लेकिन इससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो के अंदर क्या कमी रह गई और वीडियो के अंदर क्या काम और रह गया है। चलो इसी नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू iDhruv एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।